आईफोन 14 ने अपना लुक चेंज करा तो मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी अपना लुक चेंज कर लेना चाहिए और मैं आपके सामने इस चेंज वर्जन में बैठा हूँ, अपडेट हो चुका हूँ मैं अपने आप से। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईफोन वाले एक ऐसे क्रिएटर की जिसने मौज एप्लीकेशन से जीता है आईफोन 14। कैसे समझते हैं इस टॉपिक को, जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे दोस्तों, और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको वहां पर भी मिल रही है। हम यहां पर मौज एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस मौज एप्लीकेशन में लाइव आप लोग अगर जाते हैं या फिर आप लोग लाइव करते हैं तो आपको पता होगा कि मौज पर स्टार बैटल चल रहा था और वो 2 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है। बहरहाल 2 अक्टूबर से पहले हमारे पास हमारे लाइव में एक ऐसे क्रिएटर जुड़े जिनका नाम है संदीप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हों को आईफोन 14 मिला है MFC यानी मौज फॉर क्रिएटर्स की ओर से। इन्होंने बताया कि मेरे लाइव में एकदम से बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए थे जिन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, 1 मिलियन से भी ज़्यादा इन्हों के पास गिफ्ट पहुँचे हैं। बहरहाल इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इवन आप अगर मेरी लाइव में पिछले 2-3 दिन से जुड़े हुए थे तो आपने भी इनके कमेंट्स को देखा होगा और आपने भी इनकी बातों को सुना होगा। मैं भी जो कमेंट्री कर रहा था वो भी इन्हीं के साथ कर रहा था, लेकिन आईफोन 14 इन्होंने जीता है। यकीन तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि स्टार गिफ्ट बैटल पे आपको OnePlus का फ़ोन मिल रहा था। जी हाँ, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, आप आई बटन पर जाकर देखें। OnePlus का फ़ोन, कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस थे, कुछ कैश वाउचर्स थे जो कि आपके डोरस्टेप और आपके लिए मौज ने बनाया था और आपको वो अब देना शुरू कर देगा क्योंकि 2 तारीख हो गई, निकल गई। अब सिर्फ अनाउंसमेंट बचे हैं और क्रिएटर्स को अनाउंस किया जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आईफोन जीते भी हैं ये तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, अगर आप आईफोन 14 जीते हैं। लेकिन एक इंस्पिरेशन स्टोरी है आप लोगों के लिए कि अगर मेहनत करी जाए तो पता ना कब कौन सा क्या ऐसा पल होता है जो आपके सामने इतना उमड़ के सामने आ जाता है जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोटी मोटी एक स्टोरी में अगर मैं खुद का एग्जांपल लेके बताऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि मेरे लाइफ में लोग जुड़ते थे 10, 15, 20 और 30 लोग। आज की डेट में मेरे लाइफ के अंदर भी 300-400 क्रिएटर्स आते हैं और उनमें से मुझे गिफ्ट भी बहुत सारे लोग दे जाते हैं। तो ये आज के टाइम में बहुत अलग हो रहा है, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ तो शायद ये हो रहा है। बस आपके लिए भी एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाए। आप वीडियो चाहें जैसी बनाओ पर बनाने की कोशिश करो, छोड़ो मत, हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता।